प्रथम सी प्रोग्राम उपरे स्पोकन ट्यूटोरियल को स्वागत। एही ट्यूटोरियल रे हमें सिखिबा एक सरल सी प्रोग्राम किपरि लेखा जाए, ताहा को किपरि कंपाइल करा जाए, ताहा को किपरि एग्जीक्यूट करा जाए, आमे केतेक साधारण एरर्स और सेगुडिकर समाधान मध्य वर्णना करिबु। एही ट्यूटोरियल रेकर्ड करबा को मु उबुंटु ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 11.10 ओ जीसीसी कंपाइलर वर्जन 4.6.1 व्यवहार करुछि। एही ट्यूटोरियल प्रैक्टिस करबा को आपण उबुंटु ऑपरेटिंग सिस्टम ओ एक एडिटर सहित परिचित हेबा उचित। किछि एडिटर हेउछि VIM ओ Gedit। एही ट्यूटोरियल रे मु Gedit व्यवहार करबि। संपर्कित ट्यूटोरियल्स पै दया करि निम्न लिंक रे प्रदर्शित आम वेबसाइट को जानतु। एक उदाहरण माध्यम रे मु आपनकु सी प्रोग्राम किपरि लेखा जाय कहिबि। कीबोर्ड रे एका संगरे कंट्रोल अल्टर ओ टी दबी टर्मिनल विंडो खोलंतु। एबे टेक्स्ट एडिटर खोलिबा, तेणु प्रॉम्प्ट रे आमे Gedit स्पेस talk.c स्पेस ampersand चिन्ह टाइप करिबा। आमे प्रॉम्प्ट को मुक्त करिबा पई ampersand उपयोग करू। दयाकरी ध्यान दियंतु जे समस्त सी फाइल गुड़िकर .c एक्सटेंशन थाए। एबे एंटर दबंतु। टेक्स्ट एडिटर खुली जाइछि। चलंतु एक प्रोग्राम लिखिबा। \\space my first c program टाइप करंतु। एठारे लाइन को कमेंट करबा पई \\ व्यवहृत हुए। प्रोग्राम रो फ्लो बुझिबा पई कमेंट्स व्यवहार करा जाए। एहा डॉक्यूमेंटेशन पई उपयोगी अटे। प्रोग्राम विषय रे एहा हमकु सूचना दिए। \\ को सिंगल लाइन कमेंट कुहा जाए। एबे एंटर दबंतु। \include स्पेस ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट टाइप करंतु। प्रथमे ब्रैकेट संपूर्ण करी तापरे ता भितरे लिखिबा सर्वदा एक उत्तम अभ्यास। एबे ब्रैकेट भितरे studio.h टाइप करंतु। studio.h हेउछि एक हेडर फाइल। साधारण इनपुट आउटपुट फंक्शन व्यवहार करबा बेले कोटिए प्रोग्राम रे एही हेडर फाइल निश्चित थिबा दरकार। एंटर दबंतु। ब्रैकेट मध्य रे int स्पेस मेन टाइप करंतु। मेन हेउछि एक स्पेशल फंक्शन। एही लाइन रो प्रोग्राम रो एजुकेशन आरंभ हेला बोली एहा कही थाए। ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट को पारंथेसिस कहा जाए। मेन परे थिबा पारंथेसिस यूजर को कही थाए जे मेन हेउछि एक फंक्शन। एठारे int मेन फंक्शन कोनोसे आर्गुमेंट निए नाही। एहा इंटीजर प्रकार रो एक वैल्यू रिटर्न करे। अन्य एक ट्यूटोरियल रे आमे डाटा टाइप विषय रे सिखिबा। एबे आमे स्लाइड्स को जाई मेन फंक्शन विषय रे अधिक जानिबा। परवर्ती स्लाइड्स को जिबा। प्रत्येक प्रोग्राम रे गोटिए मेन फंक्शन रहिबा उचित। गोटिए फंक्शन रो अधिक रहिबा उचित नुहे, अन्यथा कंपाइलर प्रोग्राम रो आरंभ ठाब करि पारिबो नाही। पारेंथेसिस रो खाली जोड़ा एहा सूचित करे जे मेन रे कोनोसे आर्गुमेंट्स नाही। आगामी ट्यूटोरियल से आर्गुमेंट्स रे कांसेप्ट सबिशेष भाबे आलोचित हेबो। एबे आम प्रोग्राम को फेरी जिबा। एंटर दबंतु। ओपनिंग करली ब्रैकेट टाइप करंतु। फंक्शन मेन रो आरंभ को ओपनिंग करली ब्रैकेट चिन्हित करिथाय। तापर क्लोजिंग करली ब्रैकेट टाइप करंतु। फंक्शन मेन रो शेष को क्लोजिंग करली ब्रैकेट चिन्हित करिथाय। एबे ब्रैकेट मध्यरे दुई थर एंटर दबी गोटे लाइन ऊपर को कर्सर घुंचंतु। कोड पढ़ा को इंडेनसन सहज करिथाय। एरर शीघ्र लोकेट करिबारे मध्ये एहा सहज करिथाय। तेणु एठारे तीनोटी स्पेस दे प्रिंट एफ ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट टाइप करिबा। टर्मिनल आउटपुट प्रिंट करिबा को प्रिंट एफ हेउची स्टैंडर्ड सी फंक्शन। एठारे ब्रैकेट मध्यरे डबल कोट्स भितरे प्रिंट एफ रे डबल कोट्स मध्यरे जहाँ किछि भी थिबो ताहा टर्मिनल रे प्रिंट होइ जिवो। टॉक टू ए टीचर \n टाइप करंतु।
बैकस्लैश एन एक नुआ लाइन को बुझाए। परिणाम स्वरूप प्रिंट एफ फंक्शन रो एक एग्जीक्यूशन परे कर्सर नुआ लाइन को चली जीवो। प्रत्येक सी स्टेटमेंट एक सेमिकलन सह शेष होबा उचित, तेणु ताहाकु एही लाइन शेषरे टाइप करंतु। सेमिकलन एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर भावे काम करे। एबे एंटर दबी तीनोटे स्पेस दियंतु, रिटर्न स्पेस जीरो ओ एक सेमिकलन टाइप करंतु। एही स्टेटमेंट इंटीजर जीरो देई थाए। एही फंक्शन पई एक इंटीजर रिटर्न हेबा दरकार, कारण फंक्शन रो प्रकार हेउची आईएनटी। एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट रो शेष को रिटर्न स्टेटमेंट चिन्हित करे। अन्य एक ट्यूटोरियल रे आमे रिटर्नड वैल्यू विषय रे अधिक सिखिबा। फाइल सेव करिवा पई एबे सेव बटन रे क्लिक करंतु। बारंबार फाइल सेव करिवा एक भलो अभ्यास, एहा आपनकु सडन पावर फेलियर रु रक्षा करिवो। एप्लीकेशन क्रैश हेबा क्षेत्र रे मध्य एहा उपयोगी सब्यस्त हेबो। एबे प्रोग्राम कंपाइल करिवा, टर्मिनल कु फेरी चलंतु। gcc space talk.c space hyphen o space my output टाइप करंतु। gcc हेउची कंपाइलर, talk.c हेउची आमो फाइल नाम, हाइफेन ओ माय आउटपुट कहे जे एग्जीक्यूटेबल को माय आउटपुट फाइल को जीवा उचित। एंटर दबांतु। देखंतु प्रोग्राम कंपाइल होई गला। शेष फाइल भाबे माय आउटपुट क्रिएट होई छी बोली आमे ls स्पेस हाइफेन lrt टाइप करी देखि परिबा। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करबा को .slash माय आउटपुट टाइप करी एंटर दबंतु। टॉक टू ए टीचर भाबे एठारे आउटपुट देखा गला। मुझे पूरी पूर्वरु कही थी एग्जीक्यूट हेबा पई रिटर्न हेउची शेष स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट परे आउ किछ एग्जीक्यूट हेबो नाही। चलंतु एहा देखिबा, आम प्रोग्राम को फेरी जीवा। रिटर्न स्टेटमेंट परे चलंतु आउ एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट मिसाइबा। एठारे गोटिए स्पेस देई प्रिंट एफ ओपनिंग ब्राकेट क्लोजिंग ब्राकेट टाइप करंतु। ब्राकेट भितरे थिबा डबल कोट्स मध्यरे वेलकम ब्लैकस्लैश एन टाइप करी शेषरे एक सेमिकलन दियंतु। सेव क्लिक करंतु। एबे कंपाइल ओ एग्जीक्यूट करंतु। टर्मिनल को फेरी जांतु। अप एरो की दाबी पूर्वरु एंटर करथिबा कमांड गुडी को आपण पुनी देखि परिबे, ताहा ही मु एबे करली। देखंतु द्वितीय कमांड वेलकम एग्जीक्यूट होई नाही। आम प्रोग्राम को फेरी चलंतु। आमे रिटर्न स्टेटमेंट ऊपर को वेलकम स्टेटमेंट लिखिबा। सेव रे क्लिक करंतु। कंपाइल ओ एग्जीक्यूट करंतु। देखंतु द्वितीय प्रिंट एफ स्टेटमेंट वेलकम मध्य एग्जीक्यूट होई गला। चलंतु एबे कॉमन एरर्स देखिबा जहां आम सामना को आसी पारे। आम प्रोग्राम को फेरी चलंतु। धरंतु एठारे मु stdio.h रु डॉट छाड़ी दे सेव रे क्लिक करिबी। कंपाइल ओ एग्जीक्यूट करिबा। आमे देखुछे जे आम talk.c फाइल रे थिबा द्वितीय लाइन रे एक फेटल एरर अछि। कंपाइलर stdioh नामक कोनोसी हेडर फाइल पाउ नाही, तेणु एहा नो सच फाइल और डायरेक्टरी बोली एक एरर दिए। आउ कंपाइलर टर्मिनेट होई जाए। चलंतु प्रोग्राम को जाई एही एरर फिक्स करिबा। डॉट को रीइंसर्ट करी सेव रे क्लिक करंतु। एबे कंपाइल ओ एग्जीक्यूट करिबा। हाँ एहे काम करूछि। मु आपनको एक साधारण एरर देखाइबी। चलंतु प्रोग्राम को जीवा। वर्तमान धरंतु मु एही लाइन शेषरे सेमिकोलन छाड़ देबी। सेव रे क्लिक करंतु। कंपाइल ओ एग्जीक्यूट करिबा। आम talk.c फाइल रे थिबा लाइन 6 रे आमे एक एरर एक्सपेक्टेड सेमिकोलन बिफोर प्रिंट एफ देखिया को पाउछे। प्रोग्राम को फेरी चलंतु। पूर्वर मु कहि सारि छि जे सेमिकोलन एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर भाबे काम करे,
तेणु यह लाइन 5 शेष रे ओ लाइन 6 आरंभ रे एहा को खोजिबो। एहा हेउछि लाइन 6, एहा हेउछि शेष स्थान जेउठारे आपण सेमिकोलन देई पारिबे। मन पकांतु जे कंपाइलर लाइन 6 रे मध्ये एक एरर मेसेज दिए। जदि एठारे आमे सेमिकोलन देबा तेबे कोन हुए देखिबा। सेव रे क्लिक करंतु, कंपाइल ओ एग्जीक्यूट करंतु। हाँ, यह काम करुछि। एबे चलंतु आम प्रोग्राम को फेरि जिबा। एही लाइन शेषरे सेमिकोलन टाइप करंतु। जेहेतु लाइन शेषरे सेमिकोलन टाइप करिबा एक निर्धारित प्रक्रिया अटे, सेव रे क्लिक करंतु, कंपाइल ओ एग्जीक्यूट करंतु। हाँ, यह काम करुछि। चलंतु आम स्लाइड्स को फेरि जिबा। एक असाइनमेंट भाबरे वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सी प्रिंट करिवा पे एक प्रोग्राम लिखंतु। प्रिंट एफ स्टेटमेंट रे जदि बैकस्लैश एन मिसा न जाए तबे कौन हुए देखंतु। एहा आमको स्पोकन ट्यूटोरियल रो समाप्ति को आने निम्न लिंक रे उपलब्ध वीडियो को देखंतु। एहा स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करे। जदि आपनकर भलो बैंडविड्थ नाही तबे एहा को डाउनलोड करि देखि परिबे। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स व्यवहार करि कर्मशाला मान चलाए। ऑनलाइन टेस्ट पास करिथिबा लोकंकु प्रमाणपत्र दिए। अधिक विवरणी पय दया करी contact@spoken-tutorial.org को लेखंतु। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू ए टीचर प्रोजेक्ट रे एक अंश। यह भारत सरकारक MHRD रो ICT माध्यम रे राष्ट्रीय शिक्षा मिशन द्वारा समर्थित। एही मिशन उपरे अधिक विवरणी निम्न लिंक रे उपलब्ध अछि। IIT बॉम्बे तरफ रु मु प्रदीप चंद्र महापात्र आपनक ठारु विदाय नेउछी।